सोशल मीडिया पर बीते दो दिनों से लक्षद्वीप बनाम मालदीव की एक जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ये बहस शुरू हो गई। पीएम की इस यात्रा से अटकलें लगाई गई कि मालदीव के पेच कसने के लिए भारत अपने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड रहा है। शुक्रवार को 50,000 से ज्यादा लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा और ये जो देखने की प्रक्रिया है वो आज सोमवार को भी खत्म नहीं हुई है। इसकी वजह ये पीएम की पोस्ट भी रही, जिसमें उन्होंने इस जगह की आश्चर्यजनक सुंदरता और वहां के लोगों की गर्मजोशी के बारे में लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया है। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्ली टिप्पणियां की गई। कहा गया कि यहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय आते हैं और जिस रिजॉर्ट में, जिस होटल्स में भारतीय रुकते हैं, उन कमरों में से अजीब सी गंद आती है। इसमें जाहिर रमीज और मरियम शोना खासतौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आ गई है। भारतीयों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा रहा कि सोशल मीडिया पर रविवार को बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारतीय रद्द करने लगे मालदीव की यात्रा। दरअसल इस विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने दावा किया कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को बदल दिया है। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही है। कई फिल्मी सितारों ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया। अब दोनों देशों के बीच इस तनाव की एक वजह ये भी है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मालदीव में अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को रखने के लिए दबाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बयान दिया। मोहम्मद नशीद ने खासतौर से मालदीव के युवा सशक्तिकरण और सूचना मंत्री मरियम शोना के बयान से एतराज जता दिया है। मोहम्मद नशीद ने अपने ट्वीट पर लिखा कि मालदीव सरकार के एक प्रतिनिधि मरियम शोना कितनी भयावह भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मुइज़ सरकार को इस टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए। तो ये तो बात हो गई राजनीति की, लेकिन अब इसमें बॉलीवुड पूरी तरह से कूद पड़ा है। कई स्लैब्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के समर्थन में ट्वीट कर दिए और मालदीव के बयानबाज नेताओं को आड़े हाथों ले लिया। अक्षय कुमार और सलमान खान ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके बाद टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, जॉन अब्राहिम और श्रद्धा कपूर समेत कई स्लैब लक्षद्वीप के फेवर में आ गए और उन्होंने अपने टूरिज्म प्लेस लक्षद्वीप का समर्थन करते हुए पोस्ट लिखा। हालांकि ये वही लोग हैं जो हर महीने मालदीव वेकेशंस पर निकल जाते हैं और वहां से धड़ल्ले से तमाम पोस्ट करते हैं। तो अब ऐसे में नए बॉलीवुड स्लैब्स भी आ गए हैं और नया वेकेशन डेस्टिनेशन लक्षद्वीप बनाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि किस स्लैब्स ने क्या कहा। दरअसल जॉन अब्राहिम ने लिखा कि शानदार भारतीय मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव की विचारधारा और विशाल मैरिन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए लक्षद्वीप जाने लायक है। श्रद्धा कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ये सभी तस्वीरें और मिम्स मुझे अब सुपर फोमो बना रहे हैं। लक्षद्वीप में ऐसे प्राचीन समुद्र तट हैं जो स्थानीय संस्कृति से समृद्ध हैं। मैं एक लंबी छुट्टी बुक करने के कगार पर हूँ, इस साल एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स क्यों नहीं। टाइगर श्रॉफ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विचार को अपना समर्थन दिया। टाइगर ने पोस्ट किया कि नीली आलिंगन में खोए लक्षद्वीप द्वीपों ने मेरा दिल जीत लिया है। समृद्ध संस्कृति, शांत समुद्र तट और यहाँ के लोगों की वास्तविक गर्मजोशी एक मनमोहक आकर्षण पैदा करती है। इन द्वीपों की समावेशिता और अद्भुत सुंदरता का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हो, एक खजाना जो इंतजार कर रहा है। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लक्षद्वीप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या ये नीला पानी असली है? लक्षद्वीप कितना सुंदर है, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में इस खजाने को वो ध्यान मिल रहा है जिसका वो हकदार है। एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के लिए इंतजार नहीं कर सकती। बेशक ये स्लैब्स अब इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये स्लैब्स पहले से ही लक्षद्वीप में जाकर उसे एक्सप्लोर करते और वहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग इन्हें मॉडल के तौर पर देते हैं, रोल मॉडल के तौर पर अगर वहाँ जाते, वेकेशन एंजॉय करते, वहाँ से पोस्ट करते, तो शायद वहाँ पर और ज़्यादा पर्यटकों को बढ़ावा मिल पाता।
इसके अलावा ईशा गुप्ता ने लक्षद्वीप से अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मुझे सबसे खूबसूरत समुद्र तट पर वापस ले चलो, मेरे पैरों के रेत तक, मेरे चेहरे पर सूरज के लिए उस जादू के जो लक्षद्वीप में है, वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। कार्तिक आर्यन ने ट्वीट कर लिखा है कि अतुल्य भारत सिर्फ एक टैग नहीं है, हमारे खूबसूरत देश में कुछ सबसे अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक स्थान है और लक्षद्वीप इसका एक उदाहरण है। भारत में ही एक स्वर्ग जैसा स्थान है। इस खूबसूरत भारतीय द्वीप को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन कपूर ने लिखा कि खूबसूरत लक्षद्वीप द्वीपों को अपनी बकेट लिस्ट में जोड़ रहा हूँ। हमारे देश के लिए स्थल सिर्फ मानचित्र के धब्बे नहीं है, वे अतिथ्य विविध संस्कृति और परिदृश्य का अनुभव करने के लिए निमंत्रण है जो भारत को घूमने के लिए एक अविश्वसनीय जगह बनाते हैं। इसके अलावा रणदीप हुड्डा ने भी ट्वीट किया और इसकी सुंदरता में कसीदे कर दिए। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लक्षद्वीप की तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ उन्होंने इस द्वीप समूह की काफी तारीफ की। वीरेंद्र सहवाग के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा है, वीरूपाजी बहुत जरूरी है और हमारी धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारे अपने लोग सबसे अच्छे हैं, मैं लक्षद्वीप पर अनुमान गया हूँ, वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। आश्चर्यजनक समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव, हम भारत है, हम आत्मनिर्भर है, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। तो ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह के पोस्ट ये तो स्लैब्स के थे, लेकिन आम जनता भी अब इस तरह के पोस्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, वहां से कुछ फोटोज शेयर करते हैं और उन फोटोज के शेयर करने के बाद धड़ल्ले से कमेंट्स आने मालदीव से शुरू हो जाते हैं। मालदीव वाले भारतीयों के लिए कुछ अभद्र टिप्पणियां करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसके बाद भारतीयों का गुस्सा शुरू हो जाता है। ये गुस्सा अभी तक शांत नहीं हो पाया। देखना ये है कि जो दोनों देशों के बीच डेस्टिनेशन या फिर वैकेशन पॉइंट्स की लड़ाई है, ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम जिस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, ये बात हमें शुरू से ही सोचनी पड़े, और अगर हम सोचते तो शायद आज लक्षद्वीप मालदीव जैसा ही होता। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पर्यटक के लिहाज से वैसी ही तस्वीर लक्षद्वीप से भी नजर आती है।